अपने मालिक नूं याद कर लेंदे ने, अपने सतगुरु नूं याद कर लेंदे ने, पर प्रभु प्राप्ति हो जांदी है। पर सत युग दे विच जुगां बीत जांदे सी, पर कलयुग दे वण नूं अपने सोहरे दे घर आ गई रुकमन। बड़ा प्रेम भाव है इस परिवार के अंदर, अपनी सस नूं माता जी कह रही, अपनी नूं नूं बेटी बेटी कह रही। एक दिन रुकमन अपने सस दे चरण दवारी है, कहन लगी, माता जी तुसी हर रोज मंदिर दी सेवा करन जांदे हो, हुण तुसी वृद्ध हो चुके हो, ये जो मंदिर दी सेवा है ना, ये तुसी मैनू दे दिओ। रुकमन दी सस रुकमन नूं कहन लगी, रुकमन बेटी हजे तेरी शादी नूं कुछ दिन होए ने, अच्छा नहीं लगता है लोग गल्लां करन। जिसले इन्हां शब्दां नूं सुनिया, अखां विच अंजू आ गए रुकमन दे। जिसले अखां विच अंजू आ गए, मां भगवती नूं याद कर रही है, मां भगवती नूं मना रही है कि मां मेरे को की गलती हुई है, जो तुसी अपने दरबार की सेवा मैनू नहीं दे रहे, मां कृपा करो जल्द तो जल्द अपने दरबार की जो सेवा है ना, ये तुसी मैनू दे दिओ। जिसने सच्चे मन दे नाल याद किया रुकमन ने मां भगवती नूं, मां भगवती की कृपा हुई। जिसले मां की कृपा हुई, एक दिन रुकमन की सस रुकमन नूं कहन लगी, रुकमन बेटी मैं शहर तो बाहर किसी काम जा रही हाँ, तो इस तरह करना है, मंदिर दे विच जाना है, जाके मंदिर की सेवा करनी है, ता कि किसी भगत के पैर दे विच कोई कंकर जां कांटा ना चुभ सके। रुकमन की सस ते कह के चल गई, मगर रुकमन नूं सारी रात नींद ना आई कि मैं मां दे दरबार दे विच जाना है, दर्शन दीदार करना है मां दा, मां दे कोलों चोलियां भरनियां ने, मां दे नाल गल्लां करनियां ने। रुकमन की सस कह के चल गई, रुकमन नूं सारी रात नींद ना आई। जिसने रुकमन नूं सारी रात नींद ना आई, परवाह का समा होया, झाड़ू ते फौड़ी चक लिया रुकमन ने, चल पई मंदिर दे वल। जय माता दी जय माता दे करदे हो रुकमन मंदिर वल जा रही है। अंधेरी रात है, बदला दा शोर है, और मां भगवती नूं मनांदे हुए की कह रही है रुकमन, हा परवाते आ गई रुकमनी, ओए के अते टोकरी ते दूजे अते पौड़ी, के अते टोकरी ते दूजे अते पौड़ी, ओए के अते टोकरी ते दूजे अते पौड़ी, रुकवाणी कबटे वेले आ गए रुकवाणी, आ गई सेवा करने दरबार, आ गई सेवा करने दरबार, अम्बे तू है मेरी सावल माह, भरोसा तेरी ज्योति दा, अम्बे तू है मेरी सावल माह, भरोसा तेरी ज्योति दा, परवाती आ गई रुकमणी के बटे वेले आ गई रुकमणी, आ गई सेवा करने दरबार, सेवा करने दरबार, परवाती आ गई रुकमणी, जिसने सेवा की मंदिर दी, संत भगत कह लगे रुकमन जा जाके मुंह तोला के साफ कर ले, क्योंकि थोड़ी देर में ते संत भगत आन गए, मां दे नाम दा गुणगान करेंगे, बैठ के गुणगान सुनी मां दे नाम दा, मां चोलियां पर देवेगी, दर्शन दीदार दे देवेगी। उसी तरह कीता रुकमन ने, मुंह तोलिया के साफ कर ले, आके दरबार दे विच बैठ गई रुकमन। जिसने दरबार दे विच आके बैठी रुकमन, सोने दा टका दिता पक्ता ने रुकमन नूं, अल्ला रुकमन सोने दा टका, जिसने तेरी सस सेवा करन आंदी है असीं उसनूं भी सोने दा टका दे, अज तू दरबार दे विच सेवा करन आई है तेनूं भी सोने दा टका दे रही हां रुकमन। सोने दा टका ले लिया रुकमन ने, बन लिया चुनरी दे पलड़ी दे अंदर, बैठ गई दरबार के अंदर। संत भगत दरबार के विच आ गए, मां के नाम के जयकारे लगा रहे ने, जीवन पवित्र कर रहे ने, और मां नूं मना रहे ने, और मां भगवती के नाम का गुणगान कर रहे ने, और किस तरह मां के नाम का गुणगान कर रहे ने। आओ आप भी मिलके मां के चरणों में हाजिरियां लगाइए, पर करना कोई सजा नहीं है,
जी अपनी दोनों बाजू माँ को पकड़ाई जाती है, अपने आप को माँ भगवती के समर्पित किया जाता है। और जिड़े संत भगत अपने आप को माँ दे समर्पित कर देंगे ने कि माँ को कह देंगे ने कि माँ सी तेरे हाँ, वो बच्चे कभी टोलते नहीं है और माँ भगवती को मनाते हुए की कहते हैं। संत भगत माँ के नाम का गुणगान कर रहे हैं और एक छोटी जी कंजक माँ भगवती के दरबार के विच खेल रही है। रुकमन कह लगी पग जी जे संत भगत आए ने माँ के नाम का गुणगान कर रहे ने बड़ा आनंद आ रहा है, मगर जी छोटी जी कंजक है एम ही सिर मारी जा रही है। कहते रुकमन जे नहीं पता होंगे तो नहीं बोलूंगा, इस कंजक के अंदर माँ है। कहते कंजक के अंदर माँ? कहते हाँ रुकमन इस कंजक के अंदर माँ है। जिड़े भी संत भगत इस समय दिते जिहड़े भी संत भगत माँ के दरबार के विचों जो कुछ ही मंगणगे माँ भगवती अपने संतां भगतां दीआं आसा मुरादां नूं पूर्ण कर देवेगी, चोलियां भर देवेगी। कहिंदी भगत जी सही गल है, यह माँ दे कोलों मंगण दा समां है। कहिंदे हां रुकमन यह समां माँ दे कोलों मंगण दा है। रुकमन ने की कीता, जिहड़ा सोने का टक्का भगतां ने दिता सी ना रुकमन नूं चुनरी के पलड़े विचों टक्का खोलिया, अज भगतां नूं दे दिता कि भगत जी अज मेरी अरदास माँ के दरबार के विच कर दिओ कि अगर मेरी गोदी के विच लाल खेडे तो मैं माँ के नाम का जगन जगराता अपने घर के विच करावां। कहिंदे रुकमन तू रही भोली दी भोली, माँ के दरबार के अंदर जिहड़ी अरदास करी दी है किसी नूं दसी दी नहीं, अपने मन दे विच रखी दी है, क्योंकि माँ ने कोलों बच्चियां दे दिल दा हाल लुकिया नहीं है। माँ सबना दे मना दिया जानती है कि मेरे बच्चियां नूं किस चीज़ की जरूरत है। एक बंदरा लिखी है आदरणीय देवाई दे चरणा दे विच, वो लाइना कह रहा हाँ, जिहदी ते है दया माँ दी उही कर सुखी है, कि जिन्ना करां विच मेरी मैया दे जकारे ने, कि जिन्ना करां विच मेरी मैया दे जकारे ने उन्ना करां विच रहिंदे देवता भी सारे ने, कि सुपने दे विच ना भी हुंदा कदी दुखी है। कि मावां कोलों पुत्तरां दी कीड़ी गल लुकी है? कि रुकमन माँ दे कोलों किसी दे दिल दा हाल लुकिया नहीं है, माँ सभना दे मना दिया जानदी है। बाली बाकी फुल्लां बख्शण वाली दाती आ बैठी है, माँ भोली है सबना भी सुनती है। रुकमन बाकी पुलां बख्शन वाली दाती आ बैठी है, सोने का टका लिया रुकमन दे कोलों, अरदास कीती अज मां दे चरणा दे अंदर के मां रुकमन आप जी दे दरबार दे विच अरदास करा रही है कि अगर उसकी गोदी दे विच लाल खेडे तो आप जी दे नाम दा जगन जगराता वो अपने कर करा दे। जिसले अरदास कीती मां दे चरणा दे अंदर सच्चे मन दे नाल पक्ता ने, कुछ अरसा बीतिया मां भगवती दी अपार कृपा दे नाल मां भगवती दी रहमत दे नाल रुकमन दी गोदी दे विच लाल खेडिया। कह दियो जय माता दी, संगत बोलेगी जय माता दी। लाल कहंदे ने पुत्तर नूं, पुत्र की दात बख्श दिती माँ ने, गोदी लाल खड़ा दिता रुकमन दी। जिसले गोदी लाल खड़ाया रुकमन दी सवा महीने का लाल हो गया और रुकमन जगन जगराते का याद भुल गई। जिसले जगन जगराते का याद भुल गई रुकमन पुत्र मोह दे विच इन्ना खो चुकी है, सवा महीने का लाल हो चुका है। एक दिन सपने दे विच आके माँ ने दर्शन दिता रुकमन नूं, रुकमन तो मेरे नाम का जगन जगराता सुखिया सी कराया नहीं है, जल्द तो जल्द मेरे नाम का जगन जगराता करा दे, मैं तेरी गोदी दे विच लाल बख्शिया है जोड़ियां मिला दवांगी, क्योंकि देने पे आए तो ढेरों के ढेर देती है, कि देने पे आए तो ढेरों के ढेर देती है, अगर लेने पे आए तो चमड़ी भी उधेड़ लेती। अगले दिन जिसने रुकमन सेरे उठी अपनी सस नूं कह लगी माता जी राती सपने दे अंदर माँ ने मैनूं दर्शन दीदार दिता है, मैं माँ दे नाम दा जगराता सुखिया सी, माँ ने मेरी गोदी लाल खड़ाया है,
असी मां दे नाम दा जगन जगराता अपने घर कराना है। कहिंदी बेटी बड़ी खुशी वाली गल है। तो यह है रुकमन की अरदास। इस समय दे उत्ते जिहड़े भी संतक सच्चे मन दे नाल इक मनचित होके मां भगती दरबार दे विच अरदासां करांदे ने और जो भी सुखना सुखदे ने, मां भगती अपने संतां भगतां दीआं आसां मुरादां नूं पूरन कर दिंदी है, चोलियां भर दिंदी है। भगतां दीआं अरदासां चूणे वाली बा कंड के लै लै, बच्चियां दीआं अरदासां चूणे वाली बा कंड के लै लै, बच्चियां दीआं अरदासां बारे दे पहाड़ा में तेरे नवालिए, बारे दे दे पहाड़ा में तेरे नवालिए, बारे दे दे पहाड़ा में तेरे नवालिए। बोल साचे दरबार की जय। तो मां दी शाही दरबार के अंदर मां दीयां पक्तनियां वल्लों अरदास आ रही है, मां दे बच्चियां वल्लों अरदास आ रही ने। जिस श्रद्धा भक्ति भावना दे नाल अरदास, महारानी वैसा वरदान बख्शना, खुले खजाने बख्शना, पूजा च बल बख्शना, दिन दुगनी रात चुगनी मत तरक्की बख्शना, जिस खजाने चो अरदासा आईया ने मां भगती खजाने भरपूर करने। मां दी पत्नी दी अरदास, मां दी बच्ची दी अरदास, जिस श्रद्धा भक्ति पावन नाले अरदास, महारानी वैसा वरदान बख्शना, खुले खजाने बख्शना, पूजा च बल बख्शना, दिन दुगनी रात चुगनी मत तरक्की बख्शना, जिस खजाने चो अरदासा आईया ने मां भगती खजाने भरपूर करना। परिवार उत्ते मां कृपा बनाई रखना। मां दे लाल दी अरदास, मां दी बच्ची दी अरदास, मां दी पत्नी दी अरदास, जिस श्रद्धा भक्ति पावन नाले अरदास, महारानी वैसा वरदान बख्शना, खुले खजाने बख्शना, पूजा च बल बख्शना, दिन दुगनी रात चौगनी मां तरक्की बख्शना, और जिस खजाने चो अरदासां आईयां ने मां भगती खजाने भरपूर करना। परिवार उत्ते मां कृपा बनाई रखना। मां दी दासी दी अरदास, मां दी बच्ची दी अरदास, जिस श्रद्धा भक्ति पावना दे नाले अरदास, प्रेम जी दी अरदास, मनीष जी दी अरदास, बेज जी दी अरदास, विक्की जी दी अरदास, जिस श्रद्धा भक्ति पावना दे नाले अरदास, महारानी वैसा वरदान बख्शना, खुले खजाने बख्शना, पूजा च बल बख्शना, दिन दुगनी रात चुगनी मां तरक्की बख्शना, और जिस खजाने चो अरदासां आईयां ने मां भगती खजाने भरपूर करना। परिवार उत्ते मां कृपा बनाई रखना। मां दी दासी दी अरदास, मां दे लाल दी अरदास, मां दे बच्चे दी अरदास, जिस श्रद्धा भक्ति पावन नाले अरदास, आदरणी देवा जी दा आशीर्वाद अरदास रूप दे विच सानू आ रहा है। मां इसी तरह आदरणी देवा जी साडे उत्ते कृपा बनाई रखन और अपना आशीर्वाद सानू दिंदे रहन। मां दी बच्चियां दी अरदास, मां दी पत्नी दी अरदास, जिस श्रद्धा भक्ति पावन नाले अरदास, महारानी वैसा वरदान बख्शना, खुले खजाने बख्शना, पूजा च बल बख्शना, दिन दुगनी रात चुगनी मात तरक्की बख्शना, और जिस खजाने चो अरदासा आईया ने मां भगती खजाने भरपूर करना। परिवार उत्ते मां कृपा बनाई रखना। जय करा मेरे मेरा वाले मां जी दा सच्चे दरबार की जय। जो जयकार लगाएगा निहाल हो जाएगा, बोल सच्चे दरबार की जय। मां दी पक्तनिया दी अरदास, मां दी बच्चे दी अरदास, माता जी दी माता जी दे चरणा दी अरदास, जिस श्रद्धा भक्ति पावन नाले अरदास, आना लगाया कि तुहाडे घर जगन जगराता तां होवेगा जेकर राजा हरिचंद जी जो राणी तारा है, साडी जागरण मंडी दी महंत है, अगर जगन जगराते दा टल मंजूर करे तां तुहाडे घर जगराता होवेगा जी। तुसीं चिंता ना करो, मैं जावांगी राजा हरिचंद दे महलां दे अंदर राणी तारा नूं टल देण दे लई। टल उठा ले चल पई राजा हरिचंद दे महलां वल। जिसले महलां दे अंदर पहुंची राणी तारा दे कक्ष वल नूं चल पई रुकमन, और जिसले कक्ष दे अंदर पहुंची नजर नहीं आ रही है राणी तारा अपने कक्ष दे अंदर। महलां दे अंदर मंदिर बनिया है मां भगवती का,
और मंदिर के अंदर मां भगती मना रही है, मंदिर के अंदर जागरण हो रहा है मां का, और राणी तारा मां का जागरण कर रही है, मां के चरणों में हाजरियां भर रही है। जिसने कक्ष के अंदर नजर नहीं आई राणी तारा चल पे रुकमन मंदिर के वल। जिसले मंदिर पहुंची जाके की देखिया राणी तारा मां के नाम का गुणगान कर रही है, मां की जोत नू देखिया, मां भगती की मूर्त नू देखिया, और राणी तारा दे डल हथ विच ने बैठ गई दरबार के अंदर, मां के नाम का गुणगान सुन रही है, मां के चरणों में हाजरियां भर रही है। जिसले जागरण संपूर्ण होया आवाज लगाई रुकमन ने राणी तारन कि भैन मैं तेरे नाल एक गल करना चाहती हाँ। राणी तारा ने जिसले पिछे मुड़ के देखा रुकमन नू पहचान लिया, ये तो मेरी सखी भैन है, मगर रुकमन नू कुछ याद नहीं। राणी तारा नू अपने पिछले तीन जन्म याद ने कि इंद्र के दरबार में नृत्य कर दिया सी, देर ना पहुंचिया दरवाजा ऋषि ने शराब दिता, लोमस ऋषि ने, जिसने रोमस ऋषि ने श्राप दिता ब्राह्मण के घर जन्म लिया मां तलुक के विचार से। व्रत वाले दिन मांस खाने के कारण इसने श्राप दिता, श्राप के कारण शिवकली बनी, संतां भक्तां की जान बचाने के लिए खीर की देख देवी छलांग लगाई, श्राप मिलिया नाल वरदान भी मिले, जन्म होया राजे के घर और जो पालना हुई वह पीलां के घर, ये तो मेरी सखी भैन है। जल का चिट्टा दिता रुकमन नू, उसनों भी अपने पिछले तीन जन्म याद आ गए, जिसने पिछले तीन जन्म याद आ गए गल दे नाल ला लिया रुकमन नू, जिसने गल दे नाल ला लिया पूछ रही है राणी तारा कि रुकमन तू किस तरह ही है। रुकमन कहन लगी कि भैन असी अपने घर के अंदर मां भगवती के नाम का जगन जगराता कराना है, डल मंजूर किते, दिन निश्चित किया मंगलवार का कि जा मंगलवार वाले दिन तेरे नमाज स्थान देते मां भगवती की अखंड जोत का प्रकाश होएगा, जा जाके सारी नगरी विच कह दे रुकमन। खुशी खुशी रुकमन घर आई, अपनी सस नूं कहन लगी माता जी मंगलवार साडे घर जागरण है मां दा, राणी तारा ने डल मंजूर किते ने, दिन निश्चित किया है मंगलवार का, विच नमक भर लिया, उत्तों पट्टी वाली हाय तारा करके तड़फ रहा है, और जो राणी तारा है पति की सेवा विच है, पति की सेवा कर रही है, मां भगती नू याद कर रही है कि मां आप जी दे जगन जगराते का डल फड़िया है, अगर जगन जगराते विच ना पहुंची पंथ का अपमान होएगा, मां कृपा करो अज ठंडी ठंडी पौन चला दियो, राजा जी नू नींद आ जाए और मैं जगन जगराते विच पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मां ने वचन दिते सी तारा ने कि जिसले भी तू मैं याद करेंगी आके तेरे मैं अंग संग सहाई हो जावांगी। अज मां भगती नू याद कर रही है राणी तारा कि मां कृपा करो अज मेरे पति दे मैनू अजमा रहे ने अखां दे, जिसले अंजू आ गए राणी तारा दे मां दा सिंघासन डोलिया, हुक्म दिता लंगर वीर नू पैरों जती जी नू कि जाके देखो अज किस भगत दे उत्ते संकट आया है, जाके संकट निवार दे। और मां भगती किस तरह लंगर वीर जी नू पैरों जती जी नू कह रही है कि देखो जाके किस भगत ने मेरा दरवाजा खड़काया है, के बुहा पवन दा ठंडी ठंडी पौन चलाई लंगर वीर जी ने, राजा ने पमे नमक लगाया सी नींद आ गई, और राणी तारा जगन जगराते जान की तैयारी कर रही है, महला दा जेड़ा भी दरवाजा कुंडा देखदी है सब बंद ने, बार पहरेदार खड़े ने, आखिर उसकी नजर एक रोशनदान दे वल पई, राणी तारा ने डल उठा ले और कमंद दा सहारा लेके राणी तारा महला तो बाहर आ गई, के सोटे के कमंदे रानी उतरी मेरी देवा जी, के आ गई है महला तो बाहर तारो मैया, के दारा दुखी शाम घटा देवा जी, चिक चिक कंडा मेरे मारिया चोर ने, ओ पैरा दा पौआ उठे रह गया तारा दा, कमान दा सहारा लेके राणी तारा जिसले महना तो बार आई
अंधेरी रात है, बदला दा शोर है, रानी तारा जय माता दी करते हुए रुकमंदी करवाई जा रही है। उड़ीका हो रही है नहीं, क्योंकि देर हो चुकी है कि हजे तक नहीं हो तारा रानी आई कि तक तक नैन थक गए। रानी तारा रुकमंदी कर जा रही है, जय माता दी करते हुए रस्ते में चोर मिलते वार कीता। रानी तारा दे चुनरी का पलड़ा पाट गया, पैरां दी खड़ाम उथे रह गई। और चोर जिसले उस खड़ाम नू चकदे ने अखां दी रोशनी खत्म हो जाती है, क्योंकि मां ने दसना सी मेरी शक्ति की है, मेरी भक्ति की है। जेड़े संत भगत सच्चे मन दे नाल मैनू मनांदे ने उन्हां संतां भगतां दी मैं रक्षा किस तरह करती। इन्नी देर नू रानी तारा रुकमंदी कर जगन जगराते पहुंच गई, खुशियां मनाइया, जकारे लग रहे ने। और रानी तारा रुकमन नू कह रही है कि रुकमन देर हो चुकी है, जा जाके जगन जगराते दी समग्री लेके आ, मां भगती दी जोत नू जगा दईए। और जगन जगराता शुरू कर दी, जगन जगराते दी समग्री लेके आई रुकमन। स्वास्ति वाचन उच्चारण करते हुए गणेश पूजन, ओंकार पूजन, लक्ष्मी पूजन, कलश पूजन, जोगनी पूजन, नवग्रह पूजन करते हुए जोता आवाहन किया कि जा देवी सर्वतेषु म शक्ति रूपेण संसिता, नमस्तस्य 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 नमः। कि जा देवी सर्वतेषु म ज्योति रूपेण संसिता, नमस्तस्य 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 नमः। मां भक्ति की ज्योत नु जगाया, जगन जगराता शुरू कर दिता, मां दे नाम दा गुणगान कर रही है रानी तारा रुकमंदी कर। मां भगती नु मना रही है, मां नु याद कर रही है, मां दे चरणा विच हाजरियां भर रही है। उधर महला दे अंदर राजा हरिचंद नु भी जाग आया, नजर नहीं आ रही है रानी तारा महला दे अंदर। मन दे विच सोचिया कि जरूर मैनू सुत्या पे छड़ के रानी तारा रुकमन मंदिर दे विच गई होगी। रानी तारा जिसले मंदिर दे विच जाके देखा, राजा हरिचंद ने नज़र नहीं आ रही है रानी तारा। मन दे विच सोच रहा है, विचार कर रहा है कि जरूर मैनू सुत्ते पे छड़ के रानी तारा रुकमंदी कर जगन जगराते गई होगी। पेस बदलिया राजा ने, चल पे रुकमंदी कर वल। रस्ते दे विच चोर मिल पे राजा हरिचंद, पेस बदलिया है, पहचान नहीं हो रही है, पूछ रहा है चोरा ने राजा हरिचंद कि तुसी कौन। चोर कह रहा कि मैं काला काला, कहते ने चोर नूं अगो। चोर राजा हरिचंद नूं पुछ रहे कि तू कौन, कहिंदा जिद्दां दा तू चोर उद्दां दा मैं चोर। कहिंदा तू आया बड़ी देर नाल, थोड़ी देर पहला बड़े घर दी इक सुंदर नारी इत्थों लंघ के गई है, जिसने सोने चांदी दे हीरे जवाहरात दे जेवरात पाए सी। साडे हत्थ विच इक खड़ाम निशानी आई है, इक चुनरी दा पलड़ा है, जिसले असीं इस नूं चकदे हाँ साड़ी अखां दी रोशनी खत्म हो जाती है, तू चक के देख। राजा ने जिसले उस खड़ाम नू देखा, पहचान लिया, चुनरी का पलड़ा पहचान लिया, ते तरानी तारा की खड़ाम है। कश दे विच खड़ाम नू ले लिया, अखां बिल्कुल सही सलामत, क्योंकि मां ने दसना सी कि मेरी शक्ति की है, मेरी भक्ति की है। कश दे विच खड़ाम नू ले लिया, चल पिया महलां वल। पिछों चोर ने आवाज लगा दी कि ओए, असी सारी राह इतने पैरे दिता, तू आया खड़ाम नू चक के चल पिया, साडा हिस्सा। राजा कहिंदा की गल, तू मैनू जानदा नहीं। कहिंदा जानण वाली गल कीड़ी है, जिदा का मैं चोर हाँ उदा का तू चोर। राजा ने जिहड़ा अपने उत्ते पलड़ा लिता सी ला दिता, हीरे जवाहरातां दी जिसले चलक नू देखिया, चोर थर थर करके कमरे नहीं कि त्राहीमान बख्शो, ये जो खड़ावां ने आप जी ने ही पैरों के शोभा दिंदियां ने, मुकदी गल। राजा ने खड़ाम निशानी ले ली, जिसले खड़ाम निशानी ले ली, चुनरी पलड़ा निशानी ले ली, चल पिया महला वल। जिसले महला दे विच पहुंचिया, राजा हरिचंद जाके संदूक दे विच खड़ाम नू रख दिता, चुनरी का पलड़ा रख दिता, बंद कर दिता संदूक नू, कि राणी तारा नू खड़ाम दिखा के मैं झूठिया करांगा कि तू मैनू सुत्ते पे छड़ के रुकमंदी कर जगन जगराते गई होगी। विश्राम कर रहा है राजा हरिचंद, नींद नहीं आ रही है, क्योंकि उधर रुकमंदी कर जगन जगराते की आवाज आ रही है। राजा ने फिर पेस बदलिया, चल कर रुकमंदी कर वल। जिसले रुकमंदी कर पहुंचिया,
जाके बाहर खड़ा हो गया, सारा जगन जगराता देख रहा है। रानी तारा मां दे नाम दा गुणगान कर रही है, मां दे चरणां विच हाजरियां भर रही है और भगतां दीआं हाजरियां राणी तारा रुकमन दे घर लगा रही है कि भगतों मां आई है, आओ मिल के दर्शन दीदार कर लईए, मां दा हाजरियां भर लईए, मां दे कोलों चोलियां भर लईए। और किस तरह राणी तारा रुकमन दे घर संता भगतां दीआं हाजरियां लगा रही है कि भगतों आओ मिल के नाम मां दे नाम दी जय घोष कर लईए, जीवन पवित्र कर लईए और मां दे चरणां विच हाजरियां भर लईए। जयकारा चिंतपुर्णी महारानी जी दा, जयकारा चुप चुपीतिया दा, क्योंकि संगत की आदत होंगी है ना, मां का जयकारा बोलन ना बोलन अपना जयकारा जरूर बोलती है, हर जागरण के अंदर हर चौंकी के विच देखने को मिलता है। मिलके जयकारा बोलिया करो, जीवन पवित्र करिया करो। और किस तरह राणी तारा रुकमंदे कर भक्तों दी हाजरियां लगा रही है और मां नूं मनांदे हुए की कह रही है कि मां के मिलके बोलो जयकारा, के माता आ गई मंदिर में, मिलके बोलो जयकारा, माता आ गई मंदिर में, मिलके बोलो जयकारा, देवा जी तेरा जगन करा लिया, देवा जी ने तेरा जगन करा लिया, अज शर्मा पेटा गा गया, माता आ गई मंदिर में, मिलके बोलो जयकारा, माता आ गई मंदिर में, तेरा हो जाऊं पारे तारा, माता आ गई मंदिर में, मिलके बोलो जयकारा, माता आ गई मंदिर। और रानी तारा रुकमन नु कह रही है, रुकमन जा जाके शीत प्रसाद दा भोग लेके आ, मां भगती दी जोत नु भोग लगा दी है शीत प्रसाद दा, सारे संतां भक्तां नु प्रसाद वितरण कर दईए और मैं अपने पति देव दे सुत्तियां सुत्तियां महलां दे विच पहुंचना है। कहिंदा तारा तू बाहर आ, तेनू मैं दसदा मैं सुत्ता पिया कि। और राणी तारा रुकमन दे घर शीत प्रसाद का भोग लगा रही है जिसनों वाटे का प्रसाद किया जाता है। आओ मां भगती की जोत नू प्रसाद का भोग लगाइए, सारे संतां भगतां नू प्रसाद वितरण करिए और मां दे चरणां विच हाजरियां भरीए। और सेवकां अगे बेनती है कि वाटे का प्रसाद दरबार दे विच लैके आन, मां की जोत नू भोग लगाइए, सारे संतां भगतां नू प्रसाद वितरण करिए। गोट में देखा, खराब में देखा, राजा हैरान हो गया, परेशान हो गया, जिसने मां समझ रहा है, शराब समझ रहा है, कमीशन मान चुका है, लेवा मान चुका है, पूर्णिया पाना देखा कर चुके हैं। और राजा हरिचंद रानी तारा ने कहना है कि तारा के पैरा भी किसी खड़ा मजे की गोट जब दो यार मेरा जो हो गया है राजा जिसने खड़ाम नू देखिया सब कुछ बदलिया, देखिया राजा हरिचंद कहन लगा तारा मैं तेरा पंथ देखांगा, महंत न मंगा तेरा पंथ जरूर देखांगा। कहिंदी राजन जे तुसी मेरा पंथ देखना है तुहानू मेरियां दो शर्तां मननियां पैणगियां। कहिंदा तेरी हर इक शर्त मंजूर है राणी तारा। कहिंदी राजन मेरी पहली शर्त जो आप जी का वाहन है नीला कोड़ा जिस दे उत्ते तुसी अनेक जंगा जितियां ने नित सवारी करदे हो उसका हवन करा दियो। शीर्ष ते लैके राजा आ गया, इनू
कनका करके चीरे ओ राजा जी के बट टुक ढकरे कर देते राजा ने म्यान तो चंडी तो ले चल पिया तवेले वाल राजा हरिचंद जाके नीले कोड़े नु देखे कोई वार कीता किस्सा पार कीता कोड़े दा शीश लेके रानी तारा दे कोल आ गया रानी तारा पंत दिखा दूसरी शर्त जो आप जी दा बेटा है रुईदास कुल दा भूषण है नैना दा तारा है राज दलारा है उसका जगन करा दिया कहना तू कैसी माँ है रानी तारा जो अपने ही पुत्र की समाप्ति कर मैं तुम कहना कैसी कि मेरा पंत खंडे वाली तार है ये तुहाडे को चलिया नहीं जाना है मेरे राजन कहता रानी तारा मैं तेनों वचन दे चुका हाँ तेरा पंथ जरूर देखांगा कहती राजन जे तुसी मेरा पंथ देखना है तुहानू पुत्र दा शीश लियाना पवेगा आवाज लगाई महला दे अंदर बेटा रुईदास पुत्र कोल आ गया कहता बेटे तेरे शीश की जरूरत है कहता पिता निका निका करके चीरिया बड़ी टुक टकरे कर दिते बेटोई दे विच पा दिता और राजा हरिचंद रानी तारा नु कहन लगा तारा तू मेरे को कोड़े का शीश मंगया तेनों मैं कोड़े का शीश लिया के दिता तू मेरे को पुत्र का शीश मंगया तेनों मैं लिया के दिता हूँ तेनों भी मेरी शर्त मन्नी पवेगी ना तेनों को अग्नि दिती जाएगी ना तेनों को पट्ठी दिती जाएगी अगर ज्वाला माँ दे विच शक्ति है तो मैं प्रसाद तैयार करके मैं याद कर रही है कि माँ इक्की कलर कई है अज मेरे पति देव मैनू आजमा रहे नहीं मां कृपा करो आके अंग संग सहाई हो जाओ मां और अज रानी तारा मां मुगती ज्वाला मैया नु मना रही है कि मां एक ही कलर चाहिए है एक ही कारण पूछ रहे कि रानी तारा पंच छंद किस वास्ते में कहंदी राजन पहला शांदा है मां मुगती दी जोत में दूसरा आप जी दे लई तीसरा मेरे लिए चौथा पुत्र लिए पंजवां कोड़े दे लिए कहिंदा पुत्र ते कोड़ा मैनू कित्थों मिल सकदे ने रानी तारा जिन्हें मैं हकी खत्म कीता है क्योंकि जो इंसान एक बार चला जांदा है वापस नहीं आंदा है कहिंदी राजन यकीन रखो समाज उत्ते जो कट्टे शीश मिला दिंदी है गूंगिया कोलों भेद पड़ा दिंदी है आओ पहला शांदा करिए मां भगती दी जोत ले पहला शांदा कटिया मां भगवती की जोत ली मां के चरणों में रख दिता शीश चुका दिता रानी तारा ने मां दे अगे पुकार कर रही है कि मां मैं अपने पति देव नूं पंथ दसन लई जा रही हूं अपार कृपा करनी है मां आके अंसंग सहाई होना है मां मां ने आशीर्वाद दिता कि तारा मैं तेरे अंसंग हां तू अपना पंथ दिखा जिसले मां भगवती का आशीर्वाद मिलिया कोड़े वाला शादा दिता अपने पति देव नु राजा हरिचंद नु के राजन पहुंच जो तबेले दे अंदर कोड़े वाला शादा लेके राजा हरिचंद जिसने तबेले विच पहुंचिया हैरान है परेशान है जिस कोड़े दा हत्थी शीश लेके आया सी उही कोड़ा मां भगती दी अपार कृपा दे नाल तबेले दे विच उसी तरह जीवित खड़ा है मिलके बोलो जय माता दी संगत बोलेगी जय माता दी जिसने कोड़े नु जीवन देखा कहता पुत्र का विछोड़ा अज तो मेरे को लो पुछे सारा और पुत्र के बुजुर्ग के भी राजा हरिचंद चंद चंद वीर बहारियां हैं और रानी तारा ने कह रहा है कि तारा अज तेन मैं दसता हाँ पुत्र का बुजुर्ग की हमला है पुत्र का विछोड़ा की हमला तेरा ना सवेरा तेरा नाम सुख का सवेरा तेरा नाम सुख का सवेरा बेटे मैं तेरे बजोग की इस तरफ रहा हाँ तू मैं दसने के लिए भी आवाज करो गई कहना पिता जी मैं प्यार कर रहा हूँ तुम्हें मैंने चंगी तरह प्यार भी नहीं दिता कहते बेटे प्यार इन्नी खुश हो इस तरह करो शहर तो बाहर मंदिर को आ जाओ मां भगवती का जिथे दिन रात मां के नाम का गुणगान हो गए पूजा पाठ हो गया राजा ने मंदिर को आ दिता शहरों बाहर दिन रात मां के नाम का गुणगान हो रहा है पूजा पाठ हो रहा है तो इस कथा तो सानू की सिक्ख्या मिलती है कि रानी तारा ने अपने पति देव जी जो कि नास्तक वृत्ति का सी अपनी पक्की के नाल भावना के नाल आस्तक
ਬੇਟੀ ਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਜੋ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਰਾਜਾ ਨੇ ਅੰਦਰ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਰਵਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ Yeah.
साई सत्संग दे संता महंता भक्ता दे गुरु मेरे वाई संग दे नदन वासन के चरणा दे माता दुर्गा निर्मल मंदिर के समूह मेंबरां वालों समूह परिवार वालों करोड़ करोड़ बधाई। बड़ी खुशी हुई इस गल की कि आज 22 साल मां के जागरातियां पूरे हो गए तो कई मां शुरू हो गए। थोड़ा सारिया का पूर्ण सहयोग है इस जागरण के लिए। बड़िया भगत ने 10-15 दिन तो लगातार इस जागरण को सजाने लिए इस जागरण के लिए सेवावान कीतियां। उन्होंने सारिया का कोटि कोटि धन्यवाद। एक गल जो मेरे मन में बार बार आ रही है, मेरा दिल कीता कि सारे नाल सांझी करा। जो असी सारी रात इस पावन दरबार के विच बैठ के कीता, सारी रात जो असी सारी रात मां नूं याद कीता, तो याद रखियो पूरा साल मां तुहानूं याद करूगी। जे सारी रात असी शरारतबाजी कीती ता पूरा साल साडे नाल रब शरारतबाजी करेगा। जे असी सारी रात अपने सतगुर दे विच ध्यान रखिया ता पक्की गल आ, मेरी गल नोट कर लियो, आगे जगराते तक तुहानूं किसे चीज की कमी नहीं रहेगी, किसे चीज की नहीं। मैं दरबार दे विच बैठ के एक गल कही सी, ये 22 साल जिहड़े जगराते होए ने, अगे जो जगराते होंगे संगत के सहयोग नाल, इहदे विच तीन चीज़ां बहुत जरूरी सी जिन्हां करके जगराते संपूर्ण होंदे ने। पहला प्यार, जो थोड़ा प्यार देवा नाल है, जो थोड़ा प्यार गुरु माता नाल है, जो थोड़ा प्यार इस जगराते नाल है। दूसरा श्रद्धा, साढ़े च जिन्नी श्रद्धा महामाई लई आ, जिन्नी श्रद्धा कुरिंदर देवा लई आ, उन्ना ही श्रद्धा मां भी थोड़े च रखती है। तीसरा विश्वास, कई दिन तो कई भगत मेरे कोल दी लंघ रहे सी, उन्होंने इन्ना क विश्वास सी कि जे सिर ही झुका लीए तो बहुत कुछ मिल जाना। विश्वास, ये तीन चीजां जे थोड़े पल्ले च हैगियां तो मैं लिख के दिनी हाँ, रहे तो ना रहे बात की गल, पर पक्की गल है कि थानू जिंदगी कदे किसी चीज़ की टोक नहीं आऊगी। थोड़े दिन की गल मैं एक गल की, एक गल मेरे मन च बार बार आई कि जेड़े भगत इस बाने में बैठे बब्बी समझते तो मां चिंतू भी उन्होंने बब्बी का रूप ही दिखाती है, कह दिंदी है तो बब्बी ने किसी का काम संवारना नहीं, तो बब्बी ने कोई आस रखियो ना। जेडे भगत इस चोले के मैनू मैया का रूप समझते हैं, मां चिंतपुर्णी, मां ज्वाला जी, मां ब्रजेश्वरी, मां चामुंडा, मां नैना देवी, मां मनसा देवी, मां नागनी माता, मां त्रिपुरमाली, मां चंडी मैया, मां महाकाली, मां राजनी माता, वो आप कार्य सवारियों थोड़े आके कि तुम मैया को याद करते हो। जो कहते हो साडा काम मैया ही ने कर देना, तो यह ना सोचो कि मैं किया, वो कर देंगे आके। ये जो जागरण से जो कुछ हो रहा ये मेरी माँ की देन है, तो सारे भगतों का साल भर काम सवार दी है, तो साल भर अपना काम भगतों को सवार लेंदी है।
साल भर भगतों का कम सवार दिया एक दिन यह लिया कि भगतों कभी अच्छ मेरा कम सवार दिया बड़ी बड़ी विश्वास वाली गल है कि इन्ना खर्चा एक गुरु महाराज नाल होता सो सारी संगत सारे सेवादार मेरे वालों हाथ जोड़ के थोड़े पैरों में हाथ लगा के कोटि कोटि धन्यवाद है कि तुम जग न संपूर्ण कर दे जे थोड़ा साथ है आप भी बैठा के नहीं होए रब राखा पच्चीवा जागरण जोड़ा है इस जागरण को पच्चीवा जागरण जोड़ा है सारे जागरण नालों कुछ अलग लेके आऊगा अज ही ऐलान होगा थोड़े लिए तेईवा चौबीवा जागरण जिदा तुम चाहते हो उदा ही होगा पर पच्चीवा जिदा सारे जागरण नालों वखरा होगा सो इस करके अज तो तैयारी मान लियो कि तीन साल बाद कोई जागरण विशाल होगा इन वजह से विशाल नहीं मानते जैसे माने बहुत कमियां रखिया जड़िया पूरी कर दिया सो इस करके सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत बधाइया महंत जी ने भी बहुत बहुत मुबारक गोयल सॉन्ग सर्विस मैं थानू लक्सियां मिले सी तो मैं कहते यही सॉन्ग आनिया मैं अच्छा उत्ते अपना मैं थोड़ा वाइफ फेस ही देखा बस सो थानू भी बहुत बहुत मुबारक महामाई कृपा करे अगले साल दो बसा लेके आओ जयकारा चिंतपूर्णी मैया जी का जयकारा अपनी अपनी जन्मदिन वाली मैया जी का हूँ जिन्होंने फल लेना इतने आ जाएंगे उस बाद कंजक पूजन कंजक पूजन तो बाद अपनी अपनी जगह पर बैठे रहना जिथे भी बैठे हो उत्थे तुहाडे तक प्रसाद पहुँचूगा आराम नाल बैठ के प्रसाद लेना लक्ष्मी माता की सेवा।